90 के दशक में भारत ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन चालू किया और 2014 से हमने इकोनॉमी को और तेज गति प्रदान की। 2014 में भारत दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था, आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। किसी को लगेगा कि भारत ने इतनी प्रगति कर दी, अब आगे क्या? मुझे लगता है आने वाले 25 साल वाकई भारत के अमृतकाल होंगे। ये इसलिए अमृतकाल होंगे बिकॉज एक त्रिवेणी संगम भारत में हो रहा है। एक समय था 90 के पहले जब भारत की टैलेंट जो आईआईटी जैसे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी, आईआईएम जैसे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी, वो अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में जनरली देश के बाहर जाती थी। जब हमने सुंदर पिचाई, सत्या नाडेला, शांतनु नारायण जैसी टैलेंट को बाहर भेजा तो वो जाके कहीं गूगल के सीईओ बन गए, कहीं माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बन गए, कहीं अडोबे के सीईओ बन गए। आज यही टैलेंट भारत में रह रही है। हमारे इंजीनियर्स, हमारे मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स भारत में रह के एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। अगर टैलेंट भारत में रहेगी तो कल का माइक्रोसॉफ्ट, कल का गूगल, कल का अडोबे शायद भारत में खड़ा होगा। शांतनु नारायण जो अडोबे के सीईओ है, उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया कि अगर मैं इस समय के भारत में होता तो हैदराबाद छोड़ के अमरीका कभी नहीं जाता। भविष्य के शांतनु नारायण जैसी टैलेंट भारत में रह रही है, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप कर रही है और इसीलिए अमृतकाल में भारत का भविष्य बहुत उज्जवल लगता है। एंटरप्रेन्योर्स को पैसा भी चाहिए। एक समय था आपका इनिशियल कैपिटल आपके माता पिता या दोस्त देते थे। अगर आपके माता पिता के पास पैसे नहीं हो तो बिजनेस करना बहुत मुश्किल था। आज वो लिमिटेशन नहीं रहा। कई प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल फंड है, हजारों से ज्यादा एंजल इन्वेस्टर्स हैं जो एक एंटरप्रेन्योर्स को अपने बिजनेस आइडिया के दम पे पैसा लगाने के लिए तैयार है। पिछले 10 सालों में 140 बिलियन डॉलर से ज्यादा पैसा स्टार्टअप्स में लगा है और यही स्टार्टअप आज बड़ी बड़ी कंपनी को कंपटीशन दे रहा है। टैलेंट और कैपिटल, इनको सक्सेसफुल होने के लिए एक और चीज चाहिए, वह है इंफ्रास्ट्रक्चर। 2013 में भारत में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था, मोटा मोटा उससे दुगना इंफ्रास्ट्रक्चर 2024 तक बन जाएगा। 82,000 किलोमीटर के आसपास की रोड थी, 2024 तक 1,65,000 किलोमीटर बन जाएगी। 70 के आसपास एयरपोर्ट थे 2014 में, 2024 में तकरीबन 200 के आसपास हो जाएंगे। 22,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन इलेक्ट्रिक थी, 2024 में उसे हम 58,000 किलोमीटर के ऊपर कर देंगे। 600 मिलियन टन कोयला उत्पादन करते थे 2014 में, 2024 तक बिलियन टन के आसपास पहुंच जाएंगे। पावर कैपेसिटी जो 235 गीगावाट थी, वो मोटा मोटा 435 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। पोर्ट कैरिंग कैपेसिटी 1400 मिलियन मेट्रिक टन थी, वो 2800 मिलियन मेट्रिक टन के ऊपर हो जाएगी। रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, मेट्रो, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने 2014 से 24 के 10 सालों में उतना काम कर दिया जो 2013 तक किया था। टैलेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल, ये तीनों का त्रिवेणी संगम हो जाएगा तो भारतीय इकोनॉमी को कौन रोक पाएगा?
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।